अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार सा शलवार का डिज़ाइन, बहुत इजी बन जाने वाला और बहुत मज़ेदार दिखने वाला ये डिज़ाइन है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ जनाब मैंने लिया है, मेरे पास फैब्रिक है वो टाइन डाई है और ये कॉटन सिल्क का फैब्रिक है। मैं इसे बहुत मज़ेदार से ड्रेस के साथ बना रही हूँ, शर्ट के साथ। एक्चुअली वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ना दोनों फैब्रिक अलग कर लिए हैं। बॉटम भी इसी में जाएगा और साथ में जो इलास्टिक के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है वो भी इसी में जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ जो टाइन डाई है जिस तरीके से वो किया गया है उस हिसाब से मैंने यहाँ इसको सेट कर दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पिनअप कर दिया है फैब्रिक को, क्योंकि ये कॉटन सिल्क टाइप का फैब्रिक है तो ये मुझे तंग कर रहा था, डेढ़ साल मैंने पिनअप कर दिया, वरना मैं बहुत कम करती हूँ। तो यहाँ अब हम करेंगे मार्किंग। ओके, तो यहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ आसन के लिए। वैसे तो हम कैपरी पेंट जो बनाते हैं या बॉक्स ट्राउजर वगैरह तो उसमें जो है तो हम इसकी लेंथ कम रखते हैं, ठीक है, आसन को छोटा रखते हैं, लेकिन चुनवार में आसन थोड़ा लंबा होता है। तो यहाँ मैंने इलास्टिक समेत जो है ना 17 इंचेस दिया है, तैयार ये 15 इंचेस आएगा। ठीक हो गया। अब नीचे की तरफ जो मैं मार्क कर रही हूँ ये मैं 11 से 12 इंच की मैं दरमियान में मार्क कर रही हूँ, पॉइंटे का जो होता है, ठीक है, बॉटम। तो इसको यहाँ से हमने तिरछा जिस तरह से हम शलवार का कट लगाते हैं ना उस तरह से हमने यहाँ पर इसको मार्क कर देना है। ठीक हो गया। अब इसको बड़ा रखने का मकसद ये है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी बाद में। मैंने इसकी जिस तरीके से कटिंग करनी होगी, सॉरी स्टिचिंग करना होगी, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी। हमने जो मार्क किया है सो सिंपली ये 2 कट्स लगेंगे और बस आपकी जो है ना शलवार की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमने इसकी सादा सी इसकी सिलाई होनी है, बहुत मज़ेदार सी। आपको यहाँ एक और चीज़ क्लियर करती चलूँ, अगर आपका साइज़ बड़ा है, हैवी साइज़ शलवार पहन रहे हैं आप, तो आप आसन का एरिया ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने जब फोल्ड करके से रखा हुआ था तो ये 23 इंचेस था। ठीक हो गया। आप इसको बढ़ा सकते हैं, अगर कपड़ा कम है तो आप इसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं। अब हमने सिंपली आसन की सिलाई लगानी है और उसके बाद इसके ऊपर इलास्टिक के लिए मैंने जो है तो कपड़ा फोल्ड कर लिया है और इस पर भी कुछ सादा सी सिंपल सी सिलाई लगी थी, इसलिए मैंने सोचा टाइम वेस्ट होता है ज़्यादा लंबे वीडियोज़ बनाने में, तो ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद मैंने बॉटम पर भी कुछ सादा सी सिलाई लगा दी है। अमूमन जैसे हम स्लीव या शर्ट का जो है तो दामन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे सादा सिलाई, ठीक है, बगैर बुकरम के। तो अब मुझे पॉइंटर जो रिक्वायर्ड है ना वो मेरा 7 इंचेस होगा, रेडी 6 होगा, 7 मैंने 1 इंच बाहर छोड़ा है सिलाई के लिए और अंदर की तरफ जो मैंने एक्स्ट्रा ये था ना इसको आपने इस तरीके के साथ फोल्ड करके पकड़ना है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और उसके बाद यहाँ से इस तरीके के साथ इसको आपने फोल्ड करना है अंदर की तरफ। अब इसको अच्छे से प्रेस कीजिए हाथ की मदद से और उसके बाद आप सुई में धागा डालिए। सेम कलर का मैंने डाला है, आप स्टाइलिंग के लिए डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रख के ना आपने इस तरीके के साथ यहाँ पे इसकी कर देनी है सिलाई कुछ इस तरीके से। ये बहुत मज़े का लगता है पहना हुआ और ये बहुत आसानी से बन गया था, आप देख सकते हैं। मुझे इसको स्टिच करने में तकरीबन कटिंग और स्टिचिंग समेत आधे घंटे से भी बहुत कम वक्त लगा था, ये बहुत जल्दी बन गई थी, बहुत मज़े की लग रही थी ये पहनी हुई। मैं वो चीज़ भी आपको दिखा दूंगी और इसको आयरन कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने सिंपली 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको सिलाई की है, उसके बाद मैंने इसको टांका पक्का कर देना है और फिर मैं ये कट कर दूंगी और फिर मैं इसकी लुक आपको दिखाती हूँ आगे। ठीक हो गया। ओके, तो अब इसका जो बाहर वाला एरिया है जिसे हमने फोल्ड किया है प्लेट्स की सूरत में, बड़ी बड़ी प्लेट्स डाली हैं तो इसको भी हमने लाजमी कवर करना है, वरना ये पॉन्चो में दिखाई देगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ हमने जो ऑलरेडी हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ था जिसमें हमने सिलाई लगाई हुई थी उसी पॉइंट पे हमने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे हमने छोटा सा टांका लगा देना है ताकि ये बाहर की तरफ लटके नहीं, ठीक है। दोनों साइड पे हम सेम चीज़ करेंगे और ये शलवार के अंदर वाली साइड पे करना है आपने, ठीक है। इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है और ये बहुत आसानी के साथ जो है ना तो ये बैठ भी जाएगा, ये दिखेगा भी नहीं और खूबसूरती भी आ जाएगी इसमें। मैंने स्पीड थोड़ी सी कम की हुई है ताकि आप लोगों को जो देख रहे हैं आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं यहाँ घर के आ रही हूँ। ठीक हो गया। अब हमने सिंपली यहाँ इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है, बाकी हमारा काम डन हो गया। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी जो है ना तो दिखा दूँगी इसको आयरन कैसे करना है वो मैं स्पेशली आपको दिखा दूँगी अभी।
ओके तो फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी थी, उसके बाद मैं इसको आयरन करते हुए आपको दिखा रही हूँ। इलास्टिक लगाने से पहले आप इसको आयरन कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले तो आप इसकी जो फिटिंग वाली सिलाई थी ना उस पर आयरन करेंगे, उसके बाद हमने इसको कुछ इस तरीके के साथ पकड़ना है यहाँ से, और जो हमने प्लेट्स डाली हैं बिकॉज सेंटर पॉइंट से वो वाली प्लेट उठानी है, और फिर तीसरी प्लेट। ठीक हो गया, इस तरह से इसको रखेंगे बिठा के और इसके ऊपर अच्छे से हमने आयरन लगा देनी है। स्लोली इसलिए दिखा रही है ताकि देखने वालों को अच्छे से समझ आ जाए। अब इसके ऊपर आपने आयरन लगा देनी है और ये मज़ेदार सी आपकी शलवार बिल्कुल तैयार है। और जब आप पहनेंगे तो बिल्कुल फ्रेश आयरन करके पहनिएगा। मैंने जो फ़ोटो अटैच किया है ना एक्चुअली, तो उसमें ईद वाले दिन का था, तो काफ़ी लेट मैंने वो शूट किया था, तो इसके उसकी थोड़ी सी जो है ना वो डल लग रही थी। तो आपने बिल्कुल फ्रेश आयरन करके इसको पहनना है, बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए भाई, बहुत बहुत प्यारी लुक आई थी इसकी, तो इस तरह की लुक आनी चाहिए जब आपने ये पहना हो। ठीक हो गया, तो सेम चीज़ ना आप ट्राउज़र के साथ भी स्लीव्स के पे भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। इसके साथ आप मस्त है कि आप शॉर्ट शर्ट बनाइएगा। मैंने यहाँ पे शर्ट को थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है, डेट्स वाई आपको इस तरह से लग रही है, वरना ये लॉन्ग शर्ट है और ये बहुत मज़े का लगा था सबको। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़।